है जनाब एजाज असलम की रैपिड फायर। ये बताइए कि आपका फेवरेट एक्टर कौन है इस फील्ड में? फैसल कुरैशी। उसके अलावा भाई कोई और? उसके अलावा नुमान एजाज है। ठीक है, और फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? फेवरेट एक्ट्रेस पाकिस्तानी सबा कमर, शी इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। फेवरेट डायरेक्टर कौन है? फेवरेट डायरेक्टर दो लोग मैं नाम लूँगा जो बहुत मज़ा आता है काम करने का, एक तो बदर और हसीब, दोनों बहुत ज़बरदस्त काम। फेवरेट प्रोडक्शन हाउस कौन सा है? फेवरेट प्रोडक्शन हाउस यार फेवरेट कोई नहीं है, बस बहुत फंसा। ये तो खुद भी ना सवाल का जवाब नहीं, प्रोडक्शन हाउस फेवरेट नहीं होता, आपकी दोस्ती या अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बिग बैंग के साथ बहुत अच्छा रहा है। फहद बिग बैंग के साथ बहुत ठीक है, आपको कम्फर्ट बहुत देते हैं एज एन एक्टर, दे वेरी नाइस पीपल ऑफ कोर्स। ओवररेटेड एक्ट्रेस ऑफ पाकिस्तान? ओवररेटेड लगती है कि ये अच्छी इतनी है नहीं जितनी लोग कहते हैं? नहीं, ऐसे कोई भी नहीं है, सब कभी नहीं जवाब देगा, सब बहुत झूठ नहीं बोल रहा, बता नहीं। ओवररेटेड नहीं है कोई। ओवररेटेड एक्टर ऑफ पाकिस्तान? दोनों के बारे में मैं यही कहूंगा। नहीं नहीं प्लीज है नहीं, कौन है? चलो नादिया बता दी कौन। इट्स वेरी डिफिकल्ट, जो आपको ना एक सीजन में इतने कमर्शियल्स में नजर आती है, इतना नजर आती है और फिर गायब हो जाते हैं, वो ओवररेटेड है। फेवरेट सिंगर कौन सा है? आतिफ असलम। अच्छा, रेट दीज एक्ट्रेसेस हु यू थिंक इज द बेस्ट एंड सेकंड बेस्ट एंड थर्ड बेस्ट। आयशा उमर, आमना शेख, सबा कमर, महविश हयात। सबा कमर, महविश हयात, आमना शेख, फोर्थ कौन था? आयशा उमर। आयशा उमर, आयशा बहुत कम एक्टिंग करती है वैसे, तो उसका एज एन एक्टर पोर्टफोलियो को इतना बड़ा नहीं है, कर रही है अब फिल्म्स कर रही है, ये कर रही है, बट बाकी सब लोग तो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है एज एन एक्टर। लड़कों में से फेवरेट एक्टर जो भी आपको लगता है कि सबसे अच्छा, फिर सेकेंड बेस्ट, थर्ड बेस्ट, नुमान एजाज, फैसल कुरैशी, हमायूं सईद, अदनान सदीकी। फैसल कुरैशी, नुमान एजाज, हमायूं, अदनान। और दोस्त हैं सारे आपके? सारे दोस्त हैं। ठीक है, अगर कोई खूबसूरत लड़की दूसरी शादी की ऑफर करे तो जरूर बताऊंगा मैं, करेगी तो मैं एक बोलूंगा हाँ, है ना, ये हाँ। तो हो नहीं सकता, मैं तो कभी नहीं करूंगा, है ना, ऐसा ये जवाब है ना? इतना कच्चा थोड़ी हूँ मैं। ठीक है, कभी किसी प्रोड्यूसर ने पेमेंट रोकी? अभी हम शो में आने से पहले नादिया से ही बात कर रहा था, लेट जरूर हुई है लेकिन अल्लाह का शुक्र है कभी। यू द फॉर्चुनेट वन कि नहीं रोके कभी। नादिया, यू आर आल्सो द फॉर। अच्छा, मुझे भी जब कोई कंप्लेन कर रहा था कि पैसे रोक लेते हैं, तो मैं कहता हूँ मतलब शुक्र है अल्लाह का यार, ऐसा मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये नहीं होता, बहुत होता है, बहुत सारे दूसरे लोगों के साथ होता है, वी हैव बीन लकी फॉर्चुनेट। डिले हो जाते हैं और अगले लेट हो जाते हैं, तो वन शुड आल्सो वेट फॉर अ बिट। और दूसरा कुछ ये भी होता है कि लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं बनाते, ठीक है, सही तरह डील नहीं करते विद द चैनल्स और द प्रोडक्शन हाउस, ताकि आगे आसानी हो। 5 साल बाद खुद को कहां देखते हो एज अ प्रोड्यूसर, एज अ डायरेक्टर, एज एन एक्टर? आई थिंक कुछ इंटरनेशनल कर रहा हूं एज अ। सो यू डोंट प्लान टू डायरेक्ट, यू वांट टू एक्ट? नहीं, आई एक्ट एंड प्रोड्यूस। नादी, डू यू वांट टू बिकम अ डायरेक्टर एवर? नो। व्हाई? मेरे में पेशेंस नहीं है, मैं एक्टर, अगर मैं डायरेक्टर बनी तो मैं खुद ऐसे कर रही होंगी ना, डायरेक्टर का काम मुझे लगता है सबसे मुश्किल है और हाँ। सबसे एंड तक होता है, डायरेक्टर को कोई रिलीफ नहीं मिलता जब वो कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है, तो बहुत एक मुश्किल काम है, बड़ा पेशेंस चाहिए उसके लिए, और एक आप ट्यून्ड हैं, अगर आपको वो है, एक पैशन है डायरेक्टर बनने का, तब आप उसमें जाएं, वरना ज़बरदस्ती नहीं कि भाई मुझे आता है काम तो मैं डायरेक्टर। और जैसे हमारे एडीज हैं आजकल, डायरेक्टर सारे काम खुद कर रहे हैं, तो वो और मुश्किल हो जाता है, काम ज्यादा हो गया है एडी भी ट्रेंड, क्योंकि सबको या तो डायरेक्टर बनने का शौक है या वो कहते हैं ये जॉब नहीं कर रहे, वो बेचारे डेट्स भी अब मैनेज कर रहे हैं, है ना, अपनी कंटिन्यूटीज का भी ख्याल रख रहे हैं, हर चीज का डायरेक्टर ख्याल रख रहा है, तो वो काम कहां से हम करेंगे? बिल्कुल सही। हॉटेस्ट एक्ट्रेस ऑफ पाकिस्तान? हॉटेस्ट आई थिंक महविश एंड सबा, दो हॉटेस्ट एक्टर्स हैं पाकिस्तान। डॉली थोड़ी है, वो तो नादिया खान, जो भी डॉली नहीं, वो रियल कैरेक्टर्स नहीं पूछ रहा, महविश बहुत आर रियली हॉट। हां, डॉली भी सही है जनाब।